दोस्तों आखिरकार लंबे इंतजार के बाद OnePlus ने अपने नए ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स इंडिया में लॉन्च कर ही दिए हैं, जिनका नाम है OnePlus Buds Z। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे OnePlus Buds Z का Realme Buds Air Pro के साथ में, देखेंगे कि इन दोनों ही ईयरबड्स में से हमारे लिए कौन से ईयरबड बेस्ट होंगे। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले Realme Buds Air Pro की, तो इनमें भी आप लोगों को 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे और इन ईयरबड्स में आप लोगों को पैसिव और एक्टिव दोनों ही नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। सो दोस्तों बात आती है कि साउंड क्वालिटी के हिसाब से हमें किन ईयरबड्स के साथ में जाना चाहिए। सो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आपको जाना चाहिए Realme Buds Air Pro के साथ में, क्योंकि ड्राइवर साइज़ यहाँ पर हमें दोनों ही ईयरबड्स में बिल्कुल सेम मिल जाता है, लेकिन Realme Buds Air Pro में आप लोगों को एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको एप्पल के एयरपॉड्स प्रो में देखने को मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पर साउंड क्वालिटी जो है वो Realme Buds Air Pro की थोड़ी अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू OnePlus Buds Z। OnePlus Buds में आप लोगों को 20 आवर्स की टोटल बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, यानी कि केस और ईयरबड्स दोनों की बैटरी मिलाकर चलने वाली है 20 आवर्स तक। अगर दोस्तों खाली ईयरबड्स की बैटरी की बात की जाए तो इन ईयरबड्स की बैटरी चलेगी 5 घंटों तक एक बार चार्ज करने पर। वहीं दोस्तों OnePlus Buds में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, यानी कि अगर आप इन ईयरबड्स को 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो ये ईयरबड्स आपको 3 घंटों का प्लेबैक टाइम दे देंगे। वहीं अगर बात की जाए Realme Buds Air Pro की, तो इनमें आपको टोटल जो बैटरी देखने को मिलेगी वो 25 आवर्स तक की मिलने वाली है। वहीं अगर सिंगल प्लेबैक टाइम की बात की जाए, यानी कि खाली ईयरबड्स की बैटरी की बात करें, तो इनमें हमें 5 घंटों का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों बात आती है कि बैटरी के हिसाब से हमारे लिए कौन सी ईयरबड बेस्ट है। दोस्तों यहाँ पर OnePlus Buds Z में आप लोगों को फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन Realme Buds Air Pro भी आप लोगों को अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देते हैं। अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो आप ले सकते हो OnePlus Buds Z को, वरना आप Realme Buds Air Pro के साथ जाना, क्योंकि इनमें भी आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। रात को तो हम अपने मोबाइल को भी चार्ज करते ही हैं, तो इसी के साथ आप अपने ईयरबड्स को भी चार्ज कर ही लेना। सो दोस्तों बैटरी के हिसाब से यहाँ पर 25 आवर्स के टोटल प्लेबैक टाइम के साथ बाजी मार जाते हैं Realme Buds Air Pro। OnePlus Buds Z में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं ये ईयरबड्स सपोर्ट करते हैं इंस्टेंट फास्ट पेयरिंग को, यानी कि अगर आप इनके केस को ओपन करते हो तो ये आपके फ़ोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए Realme Buds Air Pro की, तो इनमें भी आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं ये ईयरबड्स सपोर्ट करते हैं गूगल फास्ट पेयर को, और इसी के साथ आपको इन ईयरबड्स में स्मार्ट वियर डिटेक्शन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों दोनों ही ईयरबड्स की जो रेंज होगी वो 10 मीटर की आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों अब बात आती है कि कनेक्टिविटी के लिए हमें कौन सी ईयरबड चुनने चाहिए। दोस्तों Realme Buds Air Pro में आपको एक फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो है स्मार्ट वियर डिटेक्शन का, जो कि आपको OnePlus Buds Z में नहीं मिलता। सो एक फीचर एक्स्ट्रा होने की वजह से हम कनेक्टिविटी के मामले में चले जाएंगे Realme Buds Air Pro के साथ में। अगर दोस्तों IP रेटिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर OnePlus Buds में आप लोगों को IP55 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, वहीं Realme Buds Air Pro में आप लोगों को IPX4 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों यहाँ पर IP रेटिंग में OnePlus Buds आगे निकल जाते हैं Realme Buds से, यानी कि वाटरप्रूफिंग के मामले में OnePlus Buds अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू Realme Buds Air Pro। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर कंट्रोल्स के मामले में दोनों ही ईयरबड्स बिल्कुल सेम है। दोनों ही ईयरबड्स में आप लोगों को टच कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों ही ईयरबड्स से आप अपनी कॉल्स को पिक कर सकते हो, कॉल्स को एंड कर सकते हो, और गूगल वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट भी कर सकते हो। सो कंट्रोल्स के मामले में यहाँ पर दोनों ही ईयरबड्स बिल्कुल सेम है।
सो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही ईयरबड्स के प्राइस के बारे में। OnePlus Buds Z का जो प्राइस है वो 2990 रुपए का है। वहीं अगर बात की जाए Realme Buds Air Pro के प्राइस की, तो अगर आप इनको अभी परचेज करते हो यानी कि Amazon Great Indian Festival सेल और Flipkart Big Billion Day सेल में आप इनको परचेज करते हो तो ये आपको 3999 रुपए के मिल जाएंगे। वहीं अगर आप इनको परचेज करते हो इन सेल्स के बाद तो ये आपको मिलेंगे 4999 रुपए में। सो दोस्तों यहाँ पर प्राइस वाइज थोड़े महंगे हैं Realme Buds Air Pro, लेकिन इनमें फीचर भी आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो दोस्तों अगर आपका बजट 5000 से नीचे का है तो आप बेशक Realme Buds Air Pro के साथ जाना। वहीं अगर आपका प्राइस 3000 से नीचे का है तो 3000 के प्राइस रेंज में आप लोगों को OnePlus Buds Z सबसे बेटर ऑप्शन मिलेंगे। सो दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन आज हमने किया है और इनमें जो विनर है वो है Realme Buds Air Pro। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इन दोनों ही ईयरबड्स में OnePlus के जो ईयरबड्स हैं वो पीछे रह जाते हैं Realme Buds से। सो दोस्तों यहाँ पर Realme Buds Air Pro बाजी मार जाते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जो दबा दीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।